गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत। आई एम अ सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर एंड अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो ना कुछ डिफरेंट करने वाला हूं मैं। डिफरेंट कैसे? डिफरेंट ऐसे करने वाला हूं कि मैं फिल हीथ का मील प्लान ट्राई करने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, वो एक बहुत एटेक्स मिस्टर ओलंपिया है और उन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीते हैं। जैसे मिस्टर ओलंपिया वर्ल्ड के नंबर वन बॉडी बिल्डर जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यूएस के बॉडी बिल्डर हैं फिल हीथ, तो उनका मील प्लान मैं ट्राई करने वाला हूँ। फिल हीथ मील प्लान ट्राई करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, देखता हूँ मैं कर पाता हूँ कि नहीं। इनका जो डाइट प्लान है मैंने वो कैसे इकट्ठा किया, इनके फ्रेंड्स आर्टिकल्स थे गूगल के ऊपर कि ये क्या मील लेते हैं ब्रेकफास्ट में, तो मैं उसी को देख के मैंने ये मील प्लान फॉलो किया। एंड आगे की वीडियो आपको पता चलेगा कि मैं ये मील प्लान खा सकता हूँ या फिर नहीं, मेरे लिए मुश्किल होगा या नहीं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को टल एंड वॉच करें। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। फ्रेंड्स, अभी हम बनाने वाले हैं ओट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बाउल में 4 scoops ऑफ वे प्रोटीन डाल रहा हूँ, रे ऑफ 1। एंड अब मैं डालूंगा मेरा 2nd scoop ऑफ वे प्रोटीन। सो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैं नॉन वेज नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैं वे प्रोटीन के स्कूप्स यूज़ कर रहा हूँ। एंड 3 scoops डाल चुका हूँ एंड ये मेरा 4th scoop है वे प्रोटीन का इन आवर ब्रेकफास्ट। सो फ्रेंड्स, 4 scoops मैंने बाउल में डाल दिए हैं वे प्रोटीन से, जिससे मुझे 98 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद हम कुक करने वाले हैं ओट्स। तो ये रहा, पानी में कुक करेंगे ओट्स। तो ओट्स हम डालेंगे नियर अबाउट 40-50 ग्राम ऑफ ओट्स। सो फ्रेंड्स, नियर अबाउट 1/3 cup ऑफ ओट्स हम डालेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा कि मैंने ओट्स डाले हैं 1/3 cup, क्विकर ओट्स यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स मैं, और ये मैंने डाल दिया अभी ओट्स। और फ्रेंड्स, उसके बाद मैं इसे कुक करूँगा अच्छे से लो फ्लेम के ऊपर। सो फ्रेंड्स, उसके बाद हम डालने वाले हैं 4 scoops ऑफ वे प्रोटीन ओट्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, इससे हमारी प्रोटीन है जो वो टोटल 120 ग्राम के नियर अबाउट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे हो जाएंगे 48 ग्राम्स एंड 21 ग्राम्स ऑफ हेल्थी फैट्स। सो फ्रेंड्स, हम अब ये अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा टेक्सचर हो, और अब मैं इसे सर्व करूँगा और मैं फिर इसे खाऊँगा। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हो कि इसका बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा टेक्सचर हो चुका, खाने में भी बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो क्वांटिटी है प्रोटीन की बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, जैसा आप देख रहे हो कि पैन से भी नहीं उतर रहा। फ्रेंड्स, फाइनली मैं इसे अभी बना लाया हूँ। उसके मैक्रोस के बारे में बात कर लूँ आपसे पहले। तो फ्रेंड्स, हीथ है वो अपना ब्रेकफास्ट में क्या खाता है, उसके मैक्रोस हैं 110 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 48 ग्राम ऑफ कार्ब्स एंड 21 ग्राम ऑफ फैट्स। सो फ्रेंड्स, ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन कोलेक्ट की है मैंने गूगल से आर्टिकल्स पढ़ के, उनकी डाइट उठाई है आर्टिकल्स से। तो ये मील, इसका आप टेक्स्चर देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, ये आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाता, इसलिए मैंने उसके लिए प्रोटीन की जगह पे 4 scoops ऑफ वे प्रोटीन ऐड किया था, जिससे मेरा जो 110 ग्राम प्रोटीन पूरा हो जाए। तो फ्रेंड्स, देखता हूँ मैं इसे अभी खा पाता हूँ या नहीं। फाइनली फ्रेंड्स, मैं इसे खा चुका हूँ। और इसमें मैक्रोस के बारे में बात करें तो 110 ग्राम प्रोटीन, 48 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड 21 ग्राम्स ऑफ हेल्दी फैट्स। सो फ्रेंड्स, मैं एक ही मील ट्राई किया मैंने इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स पूरे दिन की, अगर मैं वेजिटेरियन हूँ, अगर मैं पूरे दिन की फिल ही की पूरे दिन की मील्स ट्राई करता तो शायद मुझे करीब 1 किलो चिकन खाना पड़ता। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट ट्राई किया जिसमें ही मेरी पूरे दिन की रिक्वायरमेंट, मेरे पूरे दिन की 180 ग्राम ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, और मैंने सुबह सुबह ही 110 ग्राम एक ही मील में कंज्यूम कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये बहुत हैवी मील थी। उन लोगों को ही डाइजेस्ट हो सकती है जिनकी बॉडी वेट ज़्यादा है, जिन्होंने कम्पीट करना है। और फ्रेंड्स, इसलिए हाई प्रोटीन लेते हैं, मैंने सिर्फ ये ट्राई किया। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ऐसी और वीडियोज चाहिए तो आप बेल आइकन में क्लिक करें, जैसे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिल जाएंगे। आप मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं,
जहाँ पे मैं अपनी लेटेस्ट पोस्ट डालता रहता हूँ, एक गिव अवे चल रहा है फ्रेंड्स आप लोगों को फ्री में प्रोटीन एंड क्रिएटिन देने वालों, गिव अवे का आई बटन में दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। सो जय हिंद, वंदे मातरम।